एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्लश बाय शेवी। ऐसा मेकअप जो कॉटन पैड लगाने पर भी बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और ऐसा मेकअप जो कॉटन पैड ड्रैग करने पर भी नहीं उतर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं लाइट हैंड से ये कर रही हूँ, तो मैं आपको हैंड से भी करके दिखाती हूँ जोर से कि ये हैंड पे भी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुआ है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द ब्लश बाय शेवी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन सेल चल रही है आजकल, तो मैंने उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जो आ चुके हैं मेरे पास। तो मैंने उनकी अनबॉक्सिंग तो कर ली है, बट मैं आपके साथ उनका रिव्यू और उनका हॉल वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मंगाया है और बाकी सारी चीज़ों का रिव्यू कि वो कैसे है। सबसे क्या क्या मंगवाया है मैंने, जो भी प्रोडक्ट मंगवाए हैं मैं उनसे उनको यूज़ करके एक मेकअप लुक भी क्रिएट करूँगी। तो आप बने रहना वीडियो में और देखना कि मैंने क्या क्या लिया है और उसको किस तरीके से यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर। मैंने बेयर फेस है, अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, मैंने मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया। ये मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, तो मैं इसी को एज अ मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आप भी इसको एज अ मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को ये यूज़ करते हुए देखा था, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। और मेरा इसमें शेड है M03 पिंक टिंट। यस, पिंक टिंट है इसमें। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है और ये इस तरीके का एक स्ट्रॉ क्रीम होती है ना, जैसे उस तरीके की इसकी इसका टेक्सचर है। और इसकी जो पिंक टिंट है उससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, जैसे आप देख सकते हो। तो स्मेल बहुत अच्छे से, इसकी स्मेल ऐसी है जैसे हम फेयर एंड लवली लगाते थे बहुत टाइम पहले स्टार्टिंग में, तो उसके जैसी स्मेल है। इसकी पिंक टिंट है काफ़ी, देखो आपको फ़र्क दिख रहा होगा। इस पर मैंने ये लगाया तो कितना ग्लोई लग रहा है, और इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो ये कैसा लग रहा है। तो चलो इसको हम सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। मैंने ये प्राइमर की क्वांटिटी में ही लेना है, मैंने इतना सा लिया है। और मैं इसी को ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करूँगी। इसको एज अ स्ट्रॉ क्रीम या एज अ प्राइमर और एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। मॉइस्चराइजर, प्राइमर और स्ट्रॉ क्रीम तीनों का काम करता है ये। काफ़ी अच्छी इसकी कवरेज है और देखिए कितना ग्लोई लग रहा है मेरा फेस। अगर आपको ड्यूई मेकअप चाहिए, ग्लोई मेकअप चाहिए, तो आप ये वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हो। इसको लगाने के बाद हमें एक मिनट तक वेट करना है, या 30 सेकेंड या 50 सेकेंड तक। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और मैंने लिंक भी नीचे दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। कोई और भी शेड ले रहा हूँ आप गोल्डन या नेचुरल टिंट, तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने ये पिंक टिंट में लिया है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ट्राई कर सकते हो। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो जो लोग महंगे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या आप बिगनर्स हो तो आप मेकअप किट बनाना चाहते हो, तो आप ये प्रोडक्ट इसमें ज़रूर रखना। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, बट इसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है और आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये मार्स की बीबी क्रीम। मैं हमेशा से पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ही यूज़ करती आई हुई हूँ, बट इस बार मैंने ये मार्स की बीबी क्रीम मंगवाई है, जो कि है इन द शेड 03। मुझे शेड इसके एग्जैक्ट नहीं पता था कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से होगा या नहीं, तो मैंने इसमें 03 मंगवाया है। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मंगवाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर हम लाइट कलर की बीबी क्रीम या फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि हमारा मेकअप है जो वो ग्रे हो जाता है या फिर हट जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, मैंने थोड़ी सी ली है और मैं इसको ही डॉट डॉट करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी सब जगह। आप इसको नो फाउंडेशन नो कंसीलर मेकअप भी कह सकते हो। मैंने एक बेबी क्रीम की हेल्प से ही सारा मेकअप करना है, बिकॉज मैंने और कोई भी प्रोडक्ट नहीं मंगाया है कवरेज के लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ बीबी क्रीम ही यूज़ की है। तो शेड तो काफ़ी मैच हो गया है मेरी स्किन टोन के हिसाब से, और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ मार्स के मेरे फेवरेट फॉर इन वन ब्रश से।
ये भी मार्स का ही है। मार्स के प्रोडक्ट भी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छे से हम इसको सारे को ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। मेरा कॉम्पैक्ट फिनिश हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं इस बार मेबलिन का ट्राई करती हूँ। मैंने पहले भी इसका ट्राई किया हुआ है, काफ़ी अच्छा होता है और ये अफोर्डेबल भी है, ठीक है। इसका प्राइस है 269 रुपीज़, बट मुझे सेल में मिला है तो मुझे सब पे कोई ना कोई ऑफ ज़रूर मिला है। मेकअप को मेरा मेकअप सेट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बस मंगवाया है वो है ये स्विस ब्यूटी का टेक मी एनीवेयर पैलेट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसको पहले खोल के देखा है तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस तरीके के यहाँ पे मिरर दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके ये सारे शेड्स हैं। इसमें ये ब्लश है, ये भी हाइलाइटर है, ये कॉन्ट्रोल शेड है और ये हाइलाइटर शेड है। ये दो तीन शिमर शेड हैं, बाकी ये और ये मैट शेड हैं और बाकी शिमर शेड ही हैं। और ये फॉयल शेड है, इसकी मैं आपको पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, मुझे जो जो कलर्स अच्छे लग रहे हैं इसकी पिगमेंटेशन देख लीजिए आप। बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी पिगमेंटेड हैं। चलो इसको यूज़ करके एक आई मेकअप क्रिएट करते हैं। इसमें से मैं ये दो ब्राउन शेड्स यूज़ करके मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी इसी पैलेट में से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पैलेट में से मैं पूरा जो फेस मेकअप रह गया है वो कैसे करूँगी। तो सबसे पहले आप ये भी ले सकते हो दो ब्राउन शेड, और इसको मैं अपनी आईब्रोज़ पर फिल करूँगी। आप देख सकते हो मैंने इस पैलेट की हेल्प से अपनी आईब्रोज कैसे फिल करी है। अगर आप कभी भूल गए हो अपना आईब्रो प्रोडक्ट, तो आप किसी भी आई शेडो शेड में से ब्राउन या ग्रे कलर के या डार्क ब्राउन कलर के शेड से आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश, और उसकी हेल्प से मैं ये वाला शेड जो हमारा कॉन्ट्रोल शेड है ये ले रही हूँ, और इसको अपनी क्रीज पर ब्लेंड कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड लगाने के बाद मैं ये हाइलाइटिंग शेड ले रही हूँ, इसको मैं ब्राउ बोन पे लगाऊंगी हल्का हल्का। मैं इसमें से कौन सा शेड यूज करूँ, ये वाला शेड, इससे मैं अपनी क्रीज को फिर से ब्लेंड करूंगी अच्छे से, ताकि एक स्मोकी इफेक्ट आ जाए। आउटर पे मैं ये ब्लैक शेड यूज कर रही हूँ जो शिमर शेड है, इसको आउटर वी पे प्लेस करके हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से मैंने डेप्थ दी है थोड़ी सी, ये स्काई ब्लू कलर। फिंगर की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे सेम मैं इस कलर को, काफी बटरी सॉफ्ट कलर है इसका, इसको अच्छे से साइड से ब्लेंड कर लूंगी ब्लैक कलर के साथ। तो अपनी फिंगर पे ही लूंगी और इनर कॉर्नर्स में प्लेस करूंगी। चाहो तो इसके ऊपर ग्लिटर लगा सकते हो, बट मैं ग्लिटर नहीं लगाऊंगी, मुझे ऐसे ही अच्छा लगा है। लोअर लैश लाइन की बारी है, लोअर लैश पे मैं सेम ब्राउन कलर को और ये वाले हल्के कलर को मिक्स करके लोअर लैश लाइन को भी करूंगी। मैं कोई भी फॉल्सेस यूज नहीं कर रही हूँ, मैं कलर यूज कर रही हूँ अपने लैशेस को कर्ल करने के लिए। यूज़ दिस मास्कारा, है मस्कारा पूरे हॉल में जो पूरे प्रोडक्ट मैंने मंगवाए उनमें से सबसे फेवरेट मेरा यही है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करना था बट मैं
मैं ले नहीं पा रही थी, मैंने मैं नहीं मंगाया था, तो इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट टाइम पे अपने मस्कारा यूज़ करेंगे कि मैंने कोई भी फॉल्सेस नहीं लगाई, सिर्फ मस्कारा लगाया और कितना अच्छा लैश इफेक्ट आ रहा है। और एक वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ भी है। तो अब बारी है, नेक्स्ट बारी है हमारे ब्लशर की। तो ब्लशर के लिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, शेड थोड़ा डार्क है आई थिंक। ब्लशर लगा लिया है, अब बारी है कॉन्टोर की। तो इसमें से कॉन्टोर शेड लेकर मैं ब्लशर कॉन्टोर मैंने लगा लिया है। नेक्स्ट बारी है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर के लिए मैं ये रोज गोल्ड का शेड है ये यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। शैम्पू कलर भी है इसमें, आई शेडो शेड में। लुक एट द ग्लो गाइस, कितना अच्छा हाइलाइटर है ये, बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, आप ग्लो देख सकते हो। ये था मेरा पूरा फुल फेस मेकअप लुक यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी एक्मी एनिवर पैलेट से, जो कि मैंने इस पैलेट से क्रिएट किया है। बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल है। इसका प्राइस तो है आई थिंक 599, आई थिंक समथिंग 569, बट ये मुझे ऑफ में मिला है पैलेट में। अगर आपको सारा कुछ मिल रहा है फेस के लिए, आईज़ के लिए, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी अच्छा पैलेट है। इसकी पिगमेंटेशन तो आपको दिखाई दी है मैंने कि कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है। मैंने विदाउट कट क्रीज किया है, बट इसका जो ये स्काई ब्लू कलर है कितना पॉपअप होके आ रहा है, इससे इसका पता लगता है कि इसके पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छे हैं। और कोई भी फॉल आउट नहीं है मैंने फुल फेस मेकअप करके, उसके बाद ही मैंने आई मेकअप किया है, तो कोई फॉल आउट भी नहीं है। ब्लशर और हाइलाइटर की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मैट और शिमरी दोनों हैं। और मैंने बीबी क्रीम से ऐसा मेकअप किया है। आप भी कर सकते हो, इस ट्यूटोरियल को फॉलोअप करके एक वीडियो सेव कर लेना और बाकियों के साथ शेयर ज़रूर करना कि वो भी, ताकि वो भी ऐसा लुक क्रिएट कर सके। अगर उनकी प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है इस हॉल में ये लिपस्टिक्स, ये भी स्विस ब्यूटी की है। एक मैंने शेड रेड में मंगवाई है और एक मैंने पिंक न्यूड में मंगवाई है। तो इसकी आउटर पैकेजिंग जो थी वो मैंने रिमूव कर दी, इसकी आउटर पैकेजिंग मैंने रिमूव कर दी बिकॉज जब ये आया था ऑर्डर तब मैंने खोल के लिपस्टिक्स तो स्वाचेस देखे थे उसी दिन, तो मुझे काफ़ी अच्छे, बिकॉज मैं लिपस्टिक्स के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ कि बस लिपस्टिक्स आई हैं तो पक्का इसको खोल के मेरे को अप्लाई करके देखना, तो मैंने इनके स्वाचेस देखे थे। इस तरीके के डॉग फूड एप्लीकेटर के साथ आती है, काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाती है, हम देख सकते हैं। मैंने ऑर्डर किया था ये वेट की वैक्स स्ट्रिप फॉर एमरजेंसी वैक्सिंग, अगर हम घर पे हैं नहीं जा सकते बाहर वैक्सिंग करने, तो मैंने वेट स्ट्रिप्स ऑर्डर कर दी ताकि मैं, और इसके साथ ये मुझे फ्री मिला था जो है कि ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। चलिए अब हमारा मेकअप डन हो चुका है, अब हम अपने मेकअप को फिक्स कर लेते हैं मेकअप फिक्सर की हेल्प से। ये बहुत छोटा सा है, ट्रैवल फ्रेंडली, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। इसका प्राइस वैसे है 129 रुपीज़, पर ये मुझे फ्री मिला है बिकॉज मैंने शॉपिंग की थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे ही प्रोडक्ट ये मंगवाए थे जो मैंने आपके सामने यूज़ करके इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी ड्रेस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर मैं मेकअप कर रही हूँ, पर जो प्रोडक्ट मेरे सामने आए मैंने उसके अकॉर्डिंग मेकअप किया है, जो जो मैंने मंगवाए थे। ये सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल ही हैं, बट अगर आप इनको सेल में लोगे तो आपको और भी कम प्राइजेस में मिलेंगे, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही चल रही है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और कैसा लग रहा है आपको ये मेरा मेकअप लुक, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट मैं कौन सा मेकअप लुक लेकर आऊँ वो भी बताना।